हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, जैसे कि ये आपकी SST सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड है ना, वो प्रीवियस में कितने क्वेश्चन बने हैं रीट प्री में और मेंस पे, और साथ ही साथ RPSC सेकंड ग्रेड में, क्योंकि इनके मोस्टली टॉपिक सेम है। तो प्रीवियस में यानी जिसने PYQ बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो SST की या ऐसे कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन की जो टीचिंग मेथड से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं उनसे टॉपिक आपको मैं इसी सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये SST का सिलेबस है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कम 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, बाकी 10 क्वेश्चन रहेंगे टीचर मेथड से। इसमें 12 यूनिट दे रखी हैं, जैसे मैंने क्रम लिख रखा है। इसमें से जो 11-12 नंबर की यूनिट है ना, ये आपकी पेडागोजी बोल लीजिएगा या इन्हें शिक्षण विधियाँ बोल लीजिएगा, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, इन दोनों से ही आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन लगभग में पूछे जाते हैं, जिनमें से आपकी जैसे मान लीजिए पेडागोजी, इसमें मुद्दे फर्स्ट लिख रखा है, इसमें ये टॉपिक आएंगे जैसे कि SST की संकल्पना क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, कच्चा कच्च की प्रक्रिया क्या होती है, क्रियाकलाप विमर्श क्या चीज़ होती है, सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की क्या चीज़ें, जो अध्यापन यानी टीचिंग से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, और समालोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे किया जाएगा बच्चों में, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड आता है पेडागोजी मुद्दे सेकंड, यानी जिसे शिक्षा शास्त्री बोल सकते हैं। इसमें देखो आपके परीक्षा या अनुभाविक सच शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ आ जाएंगी इसमें, जो टीचिंग एड्स बोलते हैं। फिर ICT बोल सकते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें ही प्रायोजना के कार्य आ जाएंगे और सीखने के प्रतिफल आ जाएंगे, लर्न एंड आउटकम, ठीक है, बाकी मूल्यांकन। ये तो आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। इसमें से फर्स्ट यूनिट से 5 क्वेश्चन और सेकंड यूनिट से 5 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं आपके टीचिंग मेथड को लेकर, ठीक है। ये आपका सिलेबस है आपके पात्रता परीक्षा का, जो सब्जेक्ट के SST के 60 क्वेश्चन बनते हैं वो इन टॉपिकों से बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ है, आप जब मेंस की एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर ये टॉपिक रखते हैं, तो मोस्टली इसमें कोई अंतर नहीं है उसमें इसमें। अब देखो वहाँ पर भी शिक्षण विधियाँ थी SST की, तो यहाँ पर भी हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, बस क्वेश्चनों का अंतर देखने को मिलेगा लेवल के हिसाब से, ठीक है। बाकी सामाजिक अध्ययन के जो भी अप्रोच होती है पढ़ाने की, वो वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी पढ़नी होगी। शिक्षण में किस प्रकार की चुनौती आती है, वो यहाँ पर भी पढ़नी है, वहाँ पर भी पढ़नी है, यानी सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी टॉपिक है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी मूल्यांकन की विधियाँ, तो निश्चित तौर से जब मूल्यांकन वहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर भी पढ़ना होगा। अब जैसे निदानात्मक उपचारात्मक है ना, तो ये भी आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, क्योंकि देखो ये प्री में भी पढ़ लेंगे तो मेंस में काम आएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, ये मेंस का सिलेबस है, ध्यान देंगे, ये मेंस का है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स की पूछी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी मैंने जो पात्रता की बताई है, जो आपकी पात्रता होगी आपकी जनवरी 2025 में, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 10 अंक की पूछी जाती है। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूँ, जो भी RPSC सेकंड ग्रेड की यानी जो सेकंड ग्रेड टीचर या TGT के टीचर बनते हैं, तो वहाँ पे ये है 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है, तो इस प्रकार 40 अंक की होती है वहाँ पे, यानी आपको ओवरऑल अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो रीट हुई है इतनी सारी, प्रीवियस में वो होंगे, ठीक है, ठीक है, और मेंस के में भी पूछे गए थे वो भी होंगे, और जो RPSC सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं वो भी हैं क्वेश्चन, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिनसे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको कोई भी अन्य ऐसी कोई गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी जिसमें ऐसे ये क्वेश्चन ना हो, मोस्टली यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो भी गाइड लाएंगे। गाइड मीन्स ये कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर करेंगे ना, उनमें टीचिंग मेथड दे रखी है, मैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं। तो आप वहाँ से देखना चाहे तो वहाँ से देख लीजिएगा, खुद से पढ़ना चाह रहे हो, अगर एक ही वीडियो के थ्रू देखना चाह रहे हैं तो आप निश्चित तौर से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सभी जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए सभी को देखते चलेंगे, चाहे वो पात्रता परीक्षा कोई भी हुआ ही हो, ठीक है। अभी जो है जुलाई की पात्रता हुई 3 पेपर, तो वो टीचिंग मेथड, इससे पहले 21 में 2 परीक्षा हो चुकी हैं वो भी, ठीक है, और इससे पहले 18, फिर उससे पहले आपकी 15-16 वाली, और फिर उससे पहले 12-13 वाली, तो वो सभी मिल जाएंगे पेपर, ये ओवरऑल कहने का, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या पूछा गया है, 141 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये आपके सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी इसकी नीड क्यों होती है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। 142 नंबर में पूछा था कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीनतम जो भी संकल्पना है या कॉन्सेप्ट है इन सोशल साइंस में, तो कौन सी है इसमें से, तो आप इन सभी को चीज़ों को देखेंगे ऑप्शनों को, तो हम ये कहेंगे ये मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना होता है, तो ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान कच्चा कच की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे एक पहली बात स्थिति बनावट और स्थान ये
कन्फर्म होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रदर्शन करने की सुविधा होती है बहुत, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ए और सी। नेक्स्ट है कि इसमें पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान में कच्चा कच्ची प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है, तो चाहे तो वो आपकी नॉलेज हो, चाहे वो आपकी स्किल हो, चाहे वो आपके एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की जो भी एक्सप्रेशन पाया जाता है यानी अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, तो निश्चित तौर से ये सभी चीज़ें मायने रखेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछा था कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या क्या है, तो हम ये कहें चाहे छोटे कच्चा कच्चों या स्मॉल क्लासरूम हो, ये भी समस्या है। अध्यापक और छात्र अनुपात में वृद्धि होना, ये भी एक समस्या है। इंक्रीजिंग टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं होना चाहिए एक टीचर पर 30 छात्र और अगर हो रहे हैं 40-45, तो निश्चित तौर से यहाँ पर ये भी समस्या पाई जाती है। बाकी अप्रशिक्षित अध्यापक, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, और बाकी पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ये सभी प्रॉब्लम थी जबकि इसने पूछा था प्रमुख समस्या, तो ये सभी समस्याएं हो जाएंगी, पर्टिकुलर एक समस्या नहीं है इसमें, सभी समस्याएं हैं ये, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें पूछा था कि इसमें से एक ऐसी परियोजना बताइए जो किसने, थॉमस एम रिस्क ने, जो सीनियर स्कूल होते हैं ना, सॉरी सीनियर क्यों होंगे, ये सेकेंडरी स्कूल होंगे 10th तक वाले माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया गया था, क्या प्रायोजना किसके लिए, 10th क्लास के लिए तक स्कूल होते हैं उनके लिए, किसने, थॉमस एम रिस्क ने, तो उसने ये उत्पादक प्रायोजना बनाई थी उनके लिए, ठीक है, तो यानी प्रतिपादित की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से बताइए एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो देखो ये मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है इसने, तो केवल छात्रों के ज्ञान की जांच करना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो इसमें एक ही मात्र ऑप्शन था नकारात्मकता, बाकी ये पॉजिटिव था, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, निर्धारणात्मकता भी होनी चाहिए या व्यापकता भी होनी चाहिए, ठीक है, और बस विश्वसनीयता होगी, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ये उत्तम परिचय की विशेषताएं होती हैं बाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण का उपयोग क्या होता है, आनुभाविक साक्ष्य बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं आपने प्रत्यक्ष इसे अनुभव होता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होगी, तो वो दोनों होगी ऑडियो विजुअल, यानी ये वाला ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा, ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सबसे बेस्ट माना जाएगा, सहायक सामग्री चाहे वो सामाजिक की हो या अन्य किसी की हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग है किया जाना चाहिए, तो किसके रूप में, तो हम कहेंगे इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, एन एड यानी एज एन एड के रूप में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है कि शिक्षण में जो प्रायोजना विधि होती है यानी आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये कहेंगे इसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे कि ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सामाजिक अध्ययन विषय में जो पर्यटन होता है उसमें निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी, आपको ये चार ऑप्शनों से बतानी है, जो आपकी पर्यटन विधि होती है ना, जिसे आप एक्सलेशन बोलते हैं यानी पर्यटन, तो हम कहेंगे इससे पर्यटन जो विधि है या टीचिंग मेथड है इसे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है, यानी आप ज्ञान को कह सकते हैं महसूस कर पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो भी आपकी ज्ञान अनुभूति होती है उनके द्वारा, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीधा अवलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए लेक्चर मेथड है ना यानी व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट रहेगी बड़े टॉपिकों को पढ़ाने से संबंधित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हम कहेंगे समाज में शांति का आधार बने, तो ये NCF 2005 के अकॉर्डिंग है, बाकी इसमें ऑप्शन नंबर देखो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमें केवल NCF 2005 के अकॉर्डिंग बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है, ये यहाँ पे जो SST की पेडागोजी है ना उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा है आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी उसकी कमी नहीं है, जैसे समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, संकल्पनात्मक त्रुटि या भय तनावपूर्ण प्रवेश से मुक्ति, आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी कौन सी कमी नहीं है वो चूज करनी है, रहेगी जो भय एवं तनावपूर्ण प्रवेश से मुक्ति से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 122 है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, प्री रिक्वेजिट पॉपुलेशन प्लान, मतलब कौन सी पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, जैसे विषय का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का
ज्ञान होना, अधिगम कर्ताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना, या शिक्षण एवं तकनीकों का ज्ञान होना, यानी चाहे विधि बोल सकते हैं या शिक्षण बोल सकते हैं, तकनीकों का ज्ञान होना। तो इनमें से पूर्वापेक्षा नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं अधिगम कर्ताओं की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी विषय का ज्ञान होना जरूरी है, बाल मनोविज्ञान का भी होना है, और जो भी टीचिंग मेथड होती हैं और उन्हें पढ़ाने की टेक्निक होती है उनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पार्टी चुनना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो वो बच्चे की गरीब है अमीर है उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, इनमें से कौन सा सही सुबह लेता है, जैसे सुकरात ने निर्देशन विधि दी थी, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि। सही सुबह लेते बताना, इनमें से केवल एक ही सही है और बाकी सभी गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि नहीं दी थी, इसने तो पंचपदीय प्रणाली दी थी, जिसमें आपके जैसे पार्टी वगैरह बनाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं, वो दी थी, इसे पंचपदी प्रणाली की पढ़ेता माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर। प्लेटो है, इसने प्रश्नोत्तर विधि नहीं दी थी, देखो प्रश्नोत्तर विधि तो दी थी आपके सुकरात ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछे प्रश्नावली पर किसने दी थी, तो फिर प्रश्नावली दी थी आपके पुढ़वर्त ने, ठीक है। और बाकी सुकरात ने निर्देशन विधि नहीं दी थी, निर्देशन विधि नहीं दी थी इन्होंने, तो सुकरात ने दी थी आपकी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो इसमें से केवल डी नंबर ऑप्शन सही था, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 124 नंबर, इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, यानी जो सामाजिक अध्ययन होता है SST का सामान्य, यानी सामान्य अध्ययन का शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, यानी कोई जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट नहीं है वो चूज करना, जैसे पर्यावरण से परिचित कराना होना हो गया तो इससे तो जरूरी होता है, ये तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ये भी जरूरी है, सामाजिक आर्थिक जो भी संस्थान है उनमें रुचि लेना ये भी बात सही, लेकिन जातिभत्ता की प्रशंसा करना ये एक नेगेटिव वर्ण हो जाएगा। ये चीज़ें हम जो SST का जो सामान्य अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, ये कह रहे समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, सात होगा, ठीक है, तो 5 या 7, तो इन दोनों में सही होंगे, तो ये सी और डी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, ना कि इसका ये मैं 3 बता रहा था ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 5 से ज़्यादा स्टेप होते हैं समस्या समाधान विधि के, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे एक तो आपका सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, ये परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये आपकी जो आपके फेयर चाइल्ड द्वारा दी गई है, क्या सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक श्रव्य सामग्री है, यानी जिसे हम सुन सकते हैं, तो एक लिखवाखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 149 नंबर है, कि इनमें से कौन सा एक क्लिपेट के द्वारा दिया गया प्रयोजन का एक प्रकार नहीं है, क्लिपेट के द्वारा जैसे रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से तो हम कहेंगे जो विध्वंसक परियोजना है इस प्रकार की कोई भी परियोजना आपके क्लिपेट ने नहीं दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेकी अभिक्रम अनुदेशक का प्रतिपादन किसने किया था, रेकी की बात करेंगे तो हमेशा उसका नाम आएगा BF स्किनर, अगर यहाँ पर साकी की बात करते तो उसका नाम आता नॉर्मन एवं क्राउडर, ठीक है, और गिलबर्ट ने नहीं दी थी कोई कंप्यूटर वगैरह थी अनुदेशक वगैरह वो, लेकिन हम मोस्टली यही पढ़ते हैं रेकी और साकी, तो रेकी दिया था स्किनर ने और बाकी साकी दिया था क्राउडर ने। तो इस प्रकार है, ये कह रहा है कि शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है, यानी शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन है आपके संबंधित हो जाएगा दुर्खिम द्वारा, किसने कहा था, दुर्खिम ने कहा था। बाकी नेक्स्ट मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये मॉडल है किसके नाम से जाना जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन, ठीक है, यानी मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपके मॉरिसन मॉडल है। नेक्स्ट बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक 25 से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है, ज्ञान है बिल्कुल है, मूल्यांकन बिल्कुल है, विश्लेषण है बिल्कुल है, अधिग्रहण नहीं है, रिसीविंग है तो शायद ये क्रियात्मक में आता है या भावात्मक किसी में भी आता हो, लेकिन ये आपके नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी ज्ञान में देखो, ज्ञान तो बच्चे ब्लूम ने दिया था, इसके 6 स्टेप थे, एक तो ये था, ठीक है, और विश्लेषण भी था, मूल्यांकन था, और कौन कौन से थे, तो
देखो पहला ज्ञान होता है, फिर हमें उसका अपबोध होता है यानी बोध होना, फिर उसका हम अनुप्रयोग करना सीखते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं, फिर तब संश्लेषण करेंगे, तब लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप होते हैं, इसमें से नहीं था अधिग्रहण नहीं था। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के बारे में कौन अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है, यानी अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी समूह नियंत्रित अनुदेशन, जिसे हम कहते हैं ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। कौन है ये? अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी मूल्यांकन और मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? बी पर जाएंगे, ठीक है, यानी हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये 125 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 आएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद है प्रायोजन विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, ये तो निश्चित तौर से होगा, प्रायोजन का चुनाव करना ये भी होगा, प्रायोजन का मूल्यांकन करना ये भी होगा, लेकिन सूचना का विश्लेषण करना ये इसका भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था, क्या सुझाव नहीं दिया गया था इन पांचों में से, सॉरी चारों ऑप्शनों में से? तो इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे मूल्यांकन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये बात सही है, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये बात सही, मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, ये बात सही, तो फिर लास्ट वाली ऑप्शन है वो नहीं होगी, यानी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक की ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो ऐसा कहना गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या चीज़ होगी? हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ग्राफ होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, ये वह स्थान कौन सा होता है? तो हम कहेंगे चाहे वो आपका भ्रमण हो, ठीक है, चाहे आपका संग्रहालय हो, चाहे अवलोकन हो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर बच रहा है, इसमें ये पूछा है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है? तो देखो ज्ञानार्जन में करेगा नहीं, आपके बोध का विकास होगा, इससे संबंध नहीं ना ज्ञान उपयोग से, केवल ये आपका संबंधित होगा क्रियात्मक कौशल का विकास, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक मूल्य क्या होते हैं? तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो यही होगा, ठीक है, मोस्टली यही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे होंगे 122 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है, यानी इन अप्रोप्रिएट है वो गलत, यानी एक तरह से गलत ही चूज करना है आपको, अनुपयुक्त है वो गलत है वो ही चूज करना है। वैसे संकलनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पर हिंदी में इसका पर्यायवाची होगा वो योगात्मक मूल्यांकन होगा, और योगात्मक मूल्यांकन को ही हम संकलनात्मक मूल्यांकन कह देते हैं, इसे इंग्लिश में सुवेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी ये वर्ष के अंत में होता है, तो इसमें से हमें तो गलत चूज करना था, जैसे ये ग्रेड नेचर करने में तो ये बात तो सही है क्योंकि ग्रेड देने में तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी अधिगम का सार संचय में तैयार किया जाता है, तो ये भी बात सही कि वर्ष के अंत में किया जाता है, तो सभी चीज़ें आपके सार संचय में की जाती हैं। और सतरंग मूल्यांकन में होता है, सतरंग मूल्यांकन का मतलब होता है एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, यानी आप कह सकते हैं सतरंग मूल्यांकन का मतलब वार्षिक जो आपके एनुअल एग्जाम होता है होती है ना, उसके बाद जो आप कह सकते हैं वो नहीं कह सकते एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन एक तरह से, तो ये भी आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखना, तो ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे हम एफ ए बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एफ ए बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक, इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं लेकिन संरचनात्मक आंकड़ा कह सकते हैं, या इसे ही हम मूल्यांकन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, एक होता है एफ ए और एक होता है ऐसे, ये दोनों ही प्रकारों से क्वेश्चन बना है, तो निश्चित तौर से ये ऐसे से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो है ना, ये लास्ट का पॉइंट है, ये एफ ए से संबंधित है, बाकी ये तीन कथन ऊपर वाले वो ऐसे से संबंधित है, यानी योगात्मक मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी की बात कर रहा है, इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है या मनोविज्ञान है? हालांकि देखा जाए अपर प्राइमरी में हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, यानी मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हम, ये आपके पढ़ते हैं 11th
इलेवेंथ से ही सब्जेक्ट ली जाती है मोस्टली, तो तभी पढ़ते हैं। फिर ट्वेल्थ में भी, फिर जो बी ए में करते हैं तो उसमें भी ले लेते हैं, फिर एम ए करते हैं उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो इसका ऑप्शन नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हम डी पे जाएंगे, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा, यानी जो भी आप टीचर ये कह रहा है शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव यानी अनुप्रयोग उद्देश्य है। तो आप दे जैसे परिभाषा देना, स्थापित करना, वर्गीकरण करना, प्रत्यास्मरण करना। हालांकि देखा जाए इन ऑप्शनों में से तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थापित करने का मतलब होता है आप ऐसे कह सकते हो जो आपने ज्ञान सीखा है ना, जैसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पहले नंबर पर क्या आता है, ज्ञान आता है ना। ये पाठ योजना बनाते थे हम बी एड में और डी एल एड में, तो उसमें चलता था जैसे ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान का फिर क्या करोगे, जो आपको ज्ञान होगा उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बोध हो जाएगा। फिर बोध हो जाएगा तो फिर इसका क्या करोगे आप, अनुप्रयोग करोगे। अनुप्रयोग का मतलब है जो सीखा है ना उसका अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग करना अपने ज्ञान का। तो ये यही तो कह रहा था कि अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा, जो आपने सीखा है उसे क्या कर रहे हैं आप, दूसरी जगह आप यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्थापित करना, ठीक है। बाकी परिभाषा देना ये ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। वर्गीकरण करना ये बोध से संबंधित हो जाएगा। प्रत्यास्मरण, प्रत्यय आप ज्ञान कर सकेंगे तो ये बोध से ही आपके ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि हम जब पाठ योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि आज हमें नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और नागरिक शास्त्र के बारे में प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान करेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, इसकी जगह पर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, यानी जो प्रकरण होता है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी में पूछे जाते हैं बहुत है, जब उस टीजीटी मैथ की बात करें, टीजीटी साइंस की बात करें या टीजीटी एसएसटी की बात करें, पर्टिकुलर हर एक में क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 125 है, वो इस प्रकार पूछा है कि सूचना तकनीक के मुख्य घटक क्या हैं, जब वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या उपयोगकर्ता हो, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि और 140 नंबर है, इसमें सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वो बाकी सभी लक्ष्य हो जाएंगे लेकिन शिक्षण शिष्टाचार है ना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम का सामाजिक सामग्री का महत्व क्या है, यानी अधिगम सामग्री का महत्व क्या है, तो निश्चित तौर से ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य के अध्ययन के उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध संदर्भ में समझने में सहायता करता है। ये परिभाषा है आपकी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहा है सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग करने वाला देश कौन सा था, वो ब्रिटेन भी था और यूएसए भी, दोनों ने किया था, ठीक है। एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सा मापदंड सही नहीं है, यानी जो गलत है, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति परक नहीं होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है, तो देखिएगा जो प्रकार है वो है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा आंसर। 102 को देखते हैं कि इतिहास अध्यापक कच्छ में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का श्रेष्ठ साधन क्या है, तो देखिएगा सबसे जो श्रेष्ठ साधन है इसमें वो है समय रेखा ग्राफ। नेक्स्ट विषय है कि निम्नलिखित में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है, तो आपको पता होगा ये है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है 110, देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है। देखिए अवबोध आप किसी बच्चे को हुआ है ये कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब है कि वो व्याख्या कर देगा, तो उसको सॉरी व्याख्या करने से, बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, व्याख्या करने से पता चल जाएगा उसके अवबोध उद्देश्य के बारे में। अगला क्वेश्चन कि भूगोल में सहायक प्रविधियों में जैसे ग्रुप मानचित्र भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल बोध सभ्यता का विकास, बिल्कुल प्रभावशाली शिक्षण और उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना। 141 नंबर के सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य के लिए होता है, तो याद रखिए अवबोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि परिवहन उद्योग जनसंख्या खनिज आदि के वितरण का दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं विषयक मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि स्थान उसके विविध लक्षणों वितरण तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं, तो याद रखिए ये करते हैं हम भूगोल के रूप में। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 125 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, देखिएगा
ज्ञान उद्देश्य था उसका उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता होगा कि परिभाषा देना होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है, तो देखिएगा सबसे अगर अच्छा साधन हो सकता है वो ग्लोब हो सकता है। यक्ष ने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुराना और न धर्म धार्मिक सिद्धांतों में है। तो याद रखिएगा इस बात को जो कहने वाले थे वो थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 141 नंबर को कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, याद रखिएगा वह सिद्धांत कौन था है, तो वह है क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 120 चलें तो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र से क्या नाम दिया गया, तो आपको पता होगा इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है परख, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2004-05 में, यानी ऑप्शन ऑप्शन की बात की जाए तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, तो इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन अपना कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 2012 में, याद रखिएगा। फर्स्ट सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो जो सामाजिक अध्ययन है उसका माध्यमिक स्तर पर इसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया था, तो आपको पता होगा इसको वर्गीकरण देने वाले थे वो थे B.S. ब्लूम। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात की जाए तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है वो है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही इसमें निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए, तो ये विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है वह, देखिएगा जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो प्रविधि कौन सी, आपको प्रविधि बतानी है, तो वो जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो है कथन विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो इसको हमेशा ही विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो इसका जो भ्रमण है वो उपयोगी है विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए और विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है, तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे किल फैक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिन्ह के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है निबंध प्रकार की परीक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 में इसमें संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये जो संविधान संशोधन था वो तो 86वां संविधान संशोधन। सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, तो सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है ये भी क्या किया गया था, बोनस किया गया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रति की सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं जिनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न करता है, संस्थाएं जिसमें उसके विकास ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताई गई थी, तो ये बताई गई थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है उपयुक्त सभी के, नागरिक संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधी अध्ययन और नागरिकता संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किस तथ्य की अपेक्षा रखनी स्वाभाविक है, तो ये स्वाभाविक है कि विशिष्ट बातों का वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, बिल्कुल सामान्य पदों व गुणों की अवधारणा, बिल्कुल तथ्य नियम परिभाषा विधा व प्रविधि की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो देखिएगा जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो उद्देश्यों की उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण करती है, बिल्कुल परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, बिल्कुल अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो याद रखिएगा उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि पाठ को लंबा करता है और छात्र को उबने लगते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है जो कि 129 है, देखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि के सर्वोत्तम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था,
इसको जो देने वाले थे व्यवहारिक रूप वो थे डॉक्टर डब्ल्यू एच किलपैक्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सही कथन आपको सही मिलान करना है कि सही मिलान कौन सा है। तो देखिएगा इसमें सही मिलान है वो है पहले का बी एस ब्लूम मूल्यांकन आया बिल्कुल हर्बर्ट थे उन्होंने स्मृति दिया बिल्कुल मॉरिसन ने बोध स्तर दिया और हंट ने चिंतन। हाँ तो सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ऐसा कौन से में तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न तीन सोपान दिए गए हैं देखिएगा शैक्षिक उद्योग का निर्धारण अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं तो देखिएगा ये तीनों हैं वो बी एस ब्लूम के द्वारा दिए गए थे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है तो याद रखिएगा अजैविक संसाधन नहीं है वो है पौधा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है तो इसकी जो आवश्यकता है उसका कारण क्या है तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है तो नवीन संकल्पना है वो है कि मानव संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला कि सामाजिक विज्ञान का कक्षा की मुख्य आवश्यकता क्या है इसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो है स्थिति बनावट व स्थान उसके साथ ही प्रदर्शन की सुविधा। ए और सी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में कच्चा कच्चे की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है क्या सहायक होता है तो याद रखिएगा ज्ञान कुशलता अभिव्यक्ति इनमें से सभी। तो देखिए नेक्स्ट है देखिए शिक्षण विधियों का शिक्षण तकनीकियों का और उपयुक्त विशिष्ट वातावरण का है ठीक है क्या कहा है विशिष्ट वातावरण तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ यानी प्रारंभ कह लो या आरंभ होता है किससे होता है तो वो संपर्क से होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। छात्रा में सीखने की योग्यता निर्भर करती है तो हम कहेंगे वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर करती है। अब क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर पब्लिक स्कूल की विशेषता होती है यानी जो आपके पब्लिक स्कूल होते हैं ना उनकी क्या क्या विशेषता होती है। वैसे ऑप्शन नंबर चार दे रखा है ऐसे ही देखो क्योंकि मोस्टली ये है कि साइकोलॉजी या सीडीपी के अंदर यही राइट आंसर होते हैं ज़्यादातर ओवरऑल देखा जाए तो आवासीय विद्यालय होते हैं सही बात है सुविधा युक्त होते हैं ये भी बात सही किशोरों के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखा जाता है ये भी बात सही तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आरटीई धारा 14 सुनिश्चित करती है तो आरटीई जो धारा 14 है ना ये संबंधित है ना ये आपकी संबंधित होती है किसी भी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं आर टी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस यानी दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है ये न्यूनतम पूछी है कम से कम कितनी होती है और 1 to 5 में आपको एक तो शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 to 5 में दिवसों और शिक्षण घंटों में आपको बताना है तो हम ये कहेंगे तो ये 210 तो काट दीजिएगा ये तो हो ही नहीं सकते आपके 200 तो कार्य दिवस होंगे और घंटे कितने होंगे 800 होंगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है ये आपका स्टार्ट किया गया था 1961 में। आरटी एक्ट 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को जो भी अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है ये होगा आपके राज्य सरकार का होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 ये कह रहा है डाइट की फुल फॉर्म बताइएगा जो डीएलएड वगैरह करते हैं तो आप जानते होंगे या बीएचटीसी वो डाइट से करते हैं तो डाइट में अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो बताइएगा डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है तो डाइट की फुल फॉर्म होती है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान इसकी इंग्लिश देखें डाइट की होगी डीआई का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सही है ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि पाठ्यपुस्तक का कौन सा तत्व है जो क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है तो ये संबंधित हो जाएगा आपका भाषा शिक्षण यानी भाषा का शिक्षण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये बताना है कौन सी निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है तो हम कहेंगे इसमें से अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि हमें जो भी हमारी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करना ये सही हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं तो ये संबंधित हो जाएगा ये पूछने वाला है ये मनोरंजनात्मक को तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है परंपरागत उपागम क्या है यानी जो
ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारी, तो हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वो भी सही हो जाएगा। यदि से डिसिप्लिनरी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर ब्लेंडर ब्राइट 10वीं बाद बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है ये, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपाव को अपनाना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स उपाव के स्थान पर, तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ये एक ही तरह तो उपागम से है ना, किधर की तरफ सही उपागम के स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आपको ये प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं, तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा, जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये एक नंबर हो गया, फिर उसके बाद उसका उच्चयन करेंगे, फिर उसके बाद है उसे योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में लिखा जोखा करेंगे, ठीक है। तो ये सिक्स, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम क्या होगा, इसमें हो जाएगा पहले तो हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये एक नंबर पर होगा, ये दो नंबर पर होगा, फिर उसके बाद परिपाक जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं तो ये करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है एक दो तीन हो गया, एक दो तीन, फिर उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम वर्णन करेंगे, तो ये क्रम होता है। ये मॉरिसन की बौद्ध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे, अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टफ ही क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो कैमरा टीवी आदि को चलाना हम प्लेंदर ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं, तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं डी सही हो जाएगा, डी। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो जिसमें है आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें आपकी शारीरिक गति हो वृद्धि, तो वो नृतक हो सकता है निश्चित तौर से, कि वो उसमें पाई जाएगी, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसे काइनेस्टिक इंटेलिजेंस यानी बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसमें शरीर का क्या क्या करे गति करे, जैसे कि नृतक ही हो गए या और नई चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, यानी जिसमें जैसे इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा वो ऑपरेशन करता है, और भी अन्य एग्जाम्पल है, ये सीटेट वगैरह में क्वेश्चन बनता है, ये CDP के क्वेश्चन है, इसीलिए अधिगम अचम 12 की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो ये सभी हो जाएगी, यानी हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन रहता है उसके अंदर, इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको अंगित करता था, कंडीशन स्टिमुलेट, तो ये संबंधित हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, घंटी की ध्वनि से संबंधित था। प्लेंदर ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसका है, बिनी का है स्टेटमेंट या किसी और का है, ये बोरिंग का है, बिनी का नहीं है, ये बोरिंग का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, यानी मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले देहिक होती है फिजिकली, फिर फिजिकली होती है, सही बात है, फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है 143 नंबर, ये पूछा गया है जब बालक सीधे यानी जो दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल अधिकम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगम प्रदान करता है, यह सीधे हाथ
का उल्टे हाथ से लिखने का ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। इसे द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं आप दाएं हाथ से बाएं चीज़ें लिखते हैं और बाएं हाथ से दाएं हाथ चीज़ें लिखते हैं, यानी दोनों हाथों से लिखें आप ओवरऑल ये कहें तो निश्चित तौर से द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहलाता है। कुछ नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर ब्लेंडर ब्राइट 10वीं बाद बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है ये? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपावों को अपनाना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स उपावों के स्थान पर। तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को ये सीटेट में पूछा हुआ है तो हम कहेंगे ये एक ही गलत उपागम से है ना, किधर की तरफ सही उपागम के स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आपको ये प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा, जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये एक नंबर हो गया, फिर उसके बाद उसका उच्चयन करेंगे, फिर उसके बाद है उसे योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में लिखा जोखा करेंगे, ठीक है। तो ये सिक्स, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम क्या होगा? इसमें हो जाएगा पहले तो हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये एक नंबर पर होगा, ये दो नंबर पर होगा, फिर उसके बाद परिपाक जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं तो ये करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है एक दो तीन हो गया, एक दो तीन, फिर उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में जाकर हम वर्णन करेंगे। तो ये क्रम होता है, ये मॉरिसन की बौद्ध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे, अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टफी क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो कैमरा टीवी आदि को चलाना हम ब्लेंडर ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं, तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको DNA की फुल फॉर्म बतानी है, तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं डी सही हो जाएगा, डी। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो जिसमें है आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें आपकी शारीरिक गति हो वृद्धि, तो वो नृतक हो सकता है निश्चित तौर से, क्योंकि वो उसमें में पाई जाएगी, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसे काइनेस्टिक इंटेलिजेंस यानी बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसमें शरीर का क्या क्या करे गति करे, जैसे कि नृतक ही हो गए या और नई चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, यानी जिसमें जैसे इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा वो ऑपरेशन करता है, और भी अन्य एग्जाम्पल है, ये सीटेट वगैरह में क्वेश्चन बनता है, ये CDP के क्वेश्चन है, इसीलिए अधिगम अचम 12 की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये सभी हो जाएगी, यानी हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन रहता है उसके अंदर, इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको अंगित करता था? कंडीशन स्टिमुलेट, तो ये संबंधित हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, घंटी की ध्वनि से संबंधित था। फिलिंदा ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसका है? बिनी का है स्टेटमेंट या किसी और का है? ये बोरिंग का है, बिनी का नहीं है, ये बोरिंग का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, यानी मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले देहिक होती है फिजिकली, फिर फिजिकली होती है, सही बात है, फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है 143 नंबर, ये पूछा गया है जब बालक सीधे यानी जो दाएं हाथ से लिखना सीखता है यह कौशल अधिकम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगम प्रदान करता है, यह सीधे हाथ
का उल्टे हाथ से लिखने का ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। इसे द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं आप दाएं हाथ से बाएं चीज़ें लिखते हैं और बाएं हाथ से दाएं हाथ चीज़ें लिखते हैं, यानी दोनों हाथों से लिखे आप ओवरऑल ये कहें तो निश्चित तौर से द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 96 नंबर क्वेश्चन है, जो इस प्रकार पूछा गया है क्वेश्चन 96 नंबर, ये कह रहा है दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत होगा? वो हो जाएगा दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, जिसे हम कह रहे हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, यानी रिफॉर्मेटिव यानी दंड सुधार का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, जैसे कि मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, तो ये तो सही बात है, समकालीन समाज का अध्ययन करना ये भी सही बात है, जीने की कला से व्यवहार करना तो ये भी बात सही है, लेकिन जो समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन करना ये गलत हो जाएगा, ये आपके संप्रत्य में नहीं आएगा सामाजिक के में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम क्या होगा, यानी ऑर्डर क्या होगा, जो सही क्रम है वो बताना है। ये आपके ब्लूम के डोमेन थे 3 डोमेन, उनमें से जो पहला डोमेन है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन के ही 6 स्टेज होती है, यानी 6 स्टेप बोल सकते हैं, जो नीचे ये ऑप्शन में दे रखे हैं, इनका क्रम बताइए कौन सा सही होगा। इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ऑप्शनों के आधार पर देख लेते हैं, जैसे पहला ज्ञान होता है तो ज्ञान 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 सभी में, फिर उसके बाद ज्ञान के बाद बोध होता है तो बोध, ठीक है, तो ये भी बोध है, इसमें प्रयोग है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी बोध है, बोध के बाद आता है अनुप्रयोग या सही हम कह देते हैं प्रयोग या, ठीक है, तो ये तो गलत हो ही गया था, तो फिर ये बोध दे रखा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी 3 स्टेप आपको याद थे तो भी हो जाता काम, कैसे ज्ञान ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रयोग या ऐसे ही अनुप्रयोग बोल देते हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, यानी ये 6 स्टेप होते हैं आपके संज्ञानात्मक पक्ष के, ठीक, और इनमें से जो निम्नतम स्तर होता है वो हो जाएगा ज्ञान, उच्चतम स्तर हो जाएगा वो मूल्यांकन। देखो सजाने का क्रम कुछ इस प्रकार होता है, जब आप इसे थ्योरी पढ़ेंगे इस डोमेन की, तो उसमें मालूम पड़ता है कि सबसे निम्नता इसका होता है ज्ञान, फिर उससे ऊपर आता है आपका बोध, उसके बाद आता है आपका प्रयोग, फिर उसके बाद आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन, तो ये उच्चतम माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये निम्नतम स्टेप होता है, ठीक है, ये वाले, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद और दो डोमेन और बचते हैं, वो कौन कौन से, एक तो ज्ञान वो सॉरी भावात्मक है, जो कृत वालों मसीहा ने दिया था, और एक आता है क्रियात्मक 3 नंबर का, जो सिंपसन ने दिया था, तो इनके स्टेप पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र है वो इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है, यानी आपकी कोरिलेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थीय सहसंबंध, जैसे साइंस का मैथ के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, तो उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो ये संबंध बताए ना, तो मोस्टली यही होता है कि वो अनुप्रस्थीय आपकी सहसंबंध हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 100वां पूछा है, किस प्रकार है कि अन्य विद्यालय विषयों के साथ है आप सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ बताइएगा, यानी उस जो भी आपकी और सब्जेक्ट होती है उनके साथ कैसा इनका यानी पॉजिटिव आपको देखना है सहसंबंध, ठीक है, जैसे कि विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है ये बात सही है, छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करता है ये भी बात सही है, पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, यानी ये गलत है। अगर आपने NCF 2005 पढ़ा हो तो उसमें हम एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो आपकी शिक्षा होती है वो कैसी होती है, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी बिना बोझ की शिक्षा, तो NCF 2005 के अनुसार, जबकि ये कह रहा है कि कैरिकुलम के भार को बढ़ाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है, तो ये भी पॉजिटिव है, यानी ए बी डी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राइजना विधि को विकसित किया गया था किसके द्वारा, देखो इसमें क्लपैक्टर, इसमें भी क्लपैक्टर है, इसमें भी, तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना होगा, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म के थ्रू या आपको पूरा ही नाम रखें तो भी बढ़िया है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका नाम है विलियम WH क्लपैक्टर।
अगर इतना भी नाम याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे जॉन है तो ये होगा नहीं, डेविड ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? जिसमें विलियम लगा होता है ना मोस्टली वही होता है डब्ल्यू, जैसे विलियम हो जाएगा फिर उसके बाद डब्ल्यू एच और याद रख लो बस वही काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास में सहायक है? जब भी आपसे मेंटली तौर पर अगर क्वेश्चन बने ना कि मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास में अगर सहायक है तो उसमें दो तीन विधियों का नाम आता है, एक तो समस्या समाधान, एक आपकी मस्तिष्क उद्वेलन जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी विधि है? एक तो समस्या समाधान हो गई, मस्तिष्क उद्वेलन हो गई, एक आध विधि और याद रख सकते हैं जो डायरेक्टली आपके मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं, यानी संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या मानसिक बोल सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103 नंबर का, अधिगमकर्ताओं में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन इसका पर्यायवाची होता है, इसे क्या बोलते हैं? विमर्शी यानी इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी? रिफ्लेक्ट थिंकिंग यानी वो ही है परावर्तन, इसे शब्द आ सकता है इसकी जगह पर परावर्तन, परावर्तन थिंकिंग हो यानी परावर्तन चिंतन या विमर्शी चिंतन या सृजनात्मक यानी सृजनात्मक कल्पना हो या समस्या समाधान हो, इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त रहेगी? तो इसमें सबसे पहले बेस्ट बताई थी एक तो मस्तिष्क उद्वेलन, इसके साथ ही समस्या समाधान विधि जो आपके मस्तिष्क से ही संबंधित होती है डेवलपमेंट से, ठीक है? समस्या समाधान, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एक तो आपके विमर्शी चिंतन में, सृजनात्मक और साथ ही साथ कल्पना में और समस्या समाधान में उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। हालांकि ये भी विधियाँ मनोवैज्ञानिक ही है, क्षेत्र भ्रमण है, भूमिका निर्वहन है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बात की जा रही थी आपकी मेंटल यानी मानसिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य और दृश्य दोनों है, यानी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री बताइएगा जो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वो आपकी हो जाएगी दूरदर्शन, दूरदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं टेलीविज़न और शॉर्ट में कहते हैं टीवी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी श्यामपट तो दृश्य में आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर श्रव्य में आ जाएगा, पत्रिका चित्र ये भी दृश्य में आ जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, यानी आधार मतलब बेस। अब देखो जो कौन हो एक्सपीरियंस, ये आपकी सहायक सामग्री का सिद्धांत एडगर डेल ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं। तो इनके आधार का मतलब बेस है, बेस यानी ये उन्होंने एक पिरामिड यानी शंकु जैसा बना के दिया था जिसमें नीचे की तरफ होते हैं ना वो आधार माना जाता है। इस आधार में कौन सी चीज़ होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव को डिनोट करने वाली चीज़ें होती हैं जो बच्चा करके सीख रहे हैं सिद्धांत पर आधारित होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो ये फिर है अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगे, नीचे की साइड है मनोवैज्ञानिक विधियाँ होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगे, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है, ये सभी शब्द आएंगे इसी वर्ड, ठीक है, इसी प्रामाण के अंतर्गत, ठीक है? तो जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो बेस में होता है वो होता है प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव जो यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं है तब हम कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी? यानी कच्चा कच्चे में कोई ऐसी बड़े आकार की वस्तु है या वास्तविक वस्तु है जिसे हम नहीं उसकी जगह पर हम कोई अन्य चीज़ ला सकते हैं समझाने के लिए, यानी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसके लिए उसका प्रतिमान या मॉडल उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा प्रारूप 2005 जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में किस तरह का कार्य करता है? तो वो एक तरह से कैसे कार्य करेगा? फैसिलिटेटर का यानी सुगम करता का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 108 नंबर, सीबी गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? तो सीबी गुड ने पाठ्यक्रम बताए हैं यानी जो प्रकार है, एक तो विषय केंद्रित होता है, फिर अनुभव केंद्रित भी होता है, उससे संबंधित केंद्रित भी होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? वो हो जाएगा दक्षता केंद्रित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है?
तो आप देखेंगे, देखो अभिप्रेरणा का होता है, लचीलेपन का होता है, सामुदायिक जीवन से सहसंबंध या संबंध का सिद्धांत भी होता है, लेकिन पृथक्करण का नहीं होता है, यानी अलग करने का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकल्पों में से पाठ योजना के हर्बर्टियन, जिसे हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली भी बोल देते हैं, उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिएगा। यानी इनके स्टेप दे रखे हैं ना, 5 क्रम होते हैं, यानी 5 स्टेप होते हैं, उनका क्रम बताना है। तो इनका टिक है, याद रखो, तो आप PPCGA के नाम से याद रख लीजिएगा। देखो, एक पहली पी से होता है प्रस्तावना। तो देखो, प्रस्तावना किन-किन में, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है प्रस्तावना। दूसरी पी से होता है प्रेजेंटेशन, तो यानी जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। सी का मतलब यहाँ पर संबंध है ना, जैसे यहाँ पर मैंने सी है, इसका मतलब संबंध से, संबंध कैसे, इसके जगह एक शब्द आएगा कंपैरिजन। अब ध्यान रखना, कंपैरिजन कैसे आया यहाँ पे, कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो संबंध है ना, यहाँ पर हम तुलना शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, वो आपने परीक्षा में देखे होंगे, ये तुलना भी शब्द दिया होता है। तो ध्यान रखना, संबंध भी आ सकता है, तुलना भी आ सकता है। और जी का मतलब जनरलाइजेशन, इसे बोलते हैं सामान्यकरण। और ए का मतलब होता है अप्लाई, यानी अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यही क्रम होते हैं आपके हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली के, 5 स्टेप कौन से होते हैं, तो वो यही होते हैं। और साथ ही साथ आप मॉरिसन का भी याद रख सकते थे, रख ले, उसने बौद्ध स्तर पर दी थी, यानी बौद्ध स्तर बेस्ट पूछे ना, कि ऐसे जैसे मॉरिसन की जो इकाई प्रणाली है, ठीक है, तो उनमें जैसे कि मॉरिसन की जो पंचपदी प्रणाली है, उनके स्टेप थे वो किस पर आधारित थे, तो वो बौद्ध पर आधारित थे, ठीक है। उनके 5 स्टेप कौन से हैं, तो उनके 5 स्टेप मैं नाम बताना चाहूँ, जैसे कि पहला होता है आपका, कौन सा होगा पहला, वो होता है अन्वेषण, पहला होगा अन्वेषण। फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर दूसरा होगा आपका प्रस्तुतिकरण। तीसरा फिर कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका आत्मसातीकरण, जैसे एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण। फिर चौथा स्टेप कौन सा होगा, इसे बोलेंगे संगठन, इसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी लास्ट स्टेप होता है, जिसे बोलते हैं रेसिटिटेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तन कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश से याद रखना, रेसिटिटेशन, इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन वो वाला नहीं, इसे पुनरावर्तन बोलते हैं, पुनरावर्तन एक तरह से बोल सकते हैं, पुनरावर्तन। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये बताइएगा, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली और मॉरिसन की पंचप्रधान प्रणाली में इनमें से समान स्टेप कौन सा है। तो देखेंगे ना, तो प्रस्तुतिकरण है, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आता है प्रस्तुतिकरण, तो ये ध्यान रखना, ये समान स्टेप होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से बताइएगा कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है। तो हम कहेंगे जैसे कि पाठ योजना होती है ना, लेसन बनाते थे, प्लानिंग जो भी, ठीक है, लड़िया भी DRED कर रखी हो या BED कर रखी हो, तो उस दौरान किया करते थे, जो आपकी वास्तविक कार्य की योजना होगी वो हो गया आपकी पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन के द्वारा दिए गए इकाई पाक में निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद है और इसमें से संबंधित नहीं है। तो मैंने अभी 5 स्टेप बताए थे, जैसे कि एलाबोरेशन जो 1 नंबर पर आता है, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण ये 2 नंबर पर आता है, और उसके बाद कौन सा बताया था, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे स्टेप पर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तीसरे नंबर पर आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एसिमिलेशन, इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। फिर चौथे नंबर पर आएगा ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ठीक है, ये 4 नंबर पर आएगा। फिर 5 नंबर पर क्या आएगा, 5 नंबर पर आएगा रेसिटेशन, रेसिटेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कौन सा स्टेप नहीं होगा या चरण नहीं होगा, तो वो विशिष्टीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो कि इसके क्रम क्या होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर मैंने बता दिया था एसिमिलेशन, 4 नंबर पर बता दिया था मैंने, एक सेकंड, एसिमिलेशन और 4 नंबर पर बताया था ऑर्गेनाइजेशन, 5 नंबर पर आएगा रेसिटिटेशन, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो हम कहेंगे जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे ना, उसी दौरान किया जाता है, यानी ड्यूरिंग में किया जाता है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो उसी दौरान किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेटिव एपे बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जब मूल्यांकन पढ़ेंगे ना, उसमें प्रकार पढ़ेंगे, एक तो एपे होता है, एक ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये योगात्मक कहलाता है। सुमेलेटिव असेसमेंट जो वर्ष के अंत में किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो शिक्षण प्रक्रिया दौरान किया जाता है। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है जो गलत है वो चूज करनी है। देखो विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, विवेदीकरण होती है, व्यापकता होती है, ठीक है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये शब्द होते हैं ये याद रखने होते हैं, बाकी विषय निश्चितता नहीं होती है, यानी जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, ये नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है, यानी जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना ऐसे टाइप बोलते हैं, इसमें गलत से दे रखी होगी, देखो ऐसे टाइप वाले टेस्ट होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें उसकी सीमा बताइए, सीमा मीन्स ये कि उसकी एक कमी बताइए, लिमिटेशन। तो जैसे कि अंकन की व्यक्ति निश्चितता होती है तो ये गलत हो जाएगा पहला ही, बाकी निर्माण में आसानी होती है। आपसे कहेगा 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे तो उनके बारे में वर्णन कीजिए, तो ये फैक्ट से आसान है, जो भी शहीद हुए उनके बारे में लिख दीजिएगा। अभिव्यक्ति का आंकलन है, जो भी आपके दिल में दिमाग में जो भी आप सोच रहे हैं चिंतन कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में लिखते जाइए, यही एक खासियत होती है इसकी निबंधात्मक प्रश्न की, जो भी दिमाग में आ रहा है वही लिखते जाइए। बाकी है विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन किया जाता है, निश्चित तौर से जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया आप किस प्रकार सोच रहे हैं और लिख रहे हैं वो भी चीज़ इंक्लूड हो जाती है, यानी ये तो 3 सही थे, कमी हो जाएगी एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चित्रण के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं। तो देखो आलोचनात्मक चिंतन हो, स्वतंत्र चिंतन हो, ये सभी है ना, जब क्वेश्चनों के प्रकार की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना उन्हीं में मिलता है हमें लिखने के लिए, तो उसी आलोचनात्मक चिंतन भी आता है और स्वतंत्र चिंतन भी आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ से आगे तो फिर ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने क्वेश्चन हमने के लिए हैं, ये आपके थे और SST पेडागोजी के जो पूछे गए हैं, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें क्या पूछा है कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग है किया जाना चाहिए तो किसके रूप में, तो हम कहेंगे इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, यानी एज एन एड के रूप में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है कि शिक्षण में जो प्रायोजना विधि होती है यानी आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये कहेंगे इसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है जिससे कि ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सामाजिक अध्ययन विषय में जो पर्यटन होता है उसमें निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी, आपको ये 4 ऑप्शनों से बतानी है। जो आपकी पर्यटन विधि होती है ना जिसे आप एक्सलेशन बोलते हैं यानी पर्यटन, तो हम कहेंगे इससे पर्यटन जो विधि है या टीचिंग मेथड है इसे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है, यानी आप ज्ञान को कह सकते हैं महसूस कर पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो भी आपकी ज्ञान अनुभूति होती है उनके द्वारा, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीमा अवलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए लेक्चर मेथड है ना यानी व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट रहेगी बड़े टॉपिकों को पढ़ाने से संबंधित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हम कहेंगे समाज में शांति का आधार बने, तो ये NCF 2005 के अकॉर्डिंग है, बाकी इसमें ऑप्शन नंबर देखो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमें केवल NCF 2005 के अकॉर्डिंग बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन है जिसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलेंगे के अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन समाहित नहीं है, यानी कौन सी चीज़ें इसमें समाहित नहीं है, तो इसमें इनिशिएटेशन यानी जिसे आरंभ करना होता है एक तरह से, तो ये चीज़ें नहीं है, बाकी परिकल्पना है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना भी है, बौद्धिकरण भी है, लेकिन ये आरंभ नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नांकित में से कौन सा चरण है वो हर्बर्ट उपागम यानी जो हर्बर्ट का अप्रोच है पढ़ाने का और जो मॉरिसन का अप्रोच था उसमें समान कौन सा इसमें से चरण है, तो इसमें से जो प्रस्तुतिकरण है ना जैसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं ये दोनों में समान स्टेप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर्बर्ट पंचपदी से और मॉरिसन की जो आपकी उपागम है उससे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण
है वह क्या चीज़ होनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो जो तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान रखे, यानी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं, तो मोस्टली तो हम ये देखेंगे चाहे वो अभिनय करना हो, चाहे आपका व्यक्तिक कार्य हो, चाहे वो आपका सामूहिक कार्य हो, ये सभी जो विकल्प हैं ऊपर के उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण या शिक्षक है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, या सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, तो हम ये कहेंगे चाहे तो वो शिक्षण में उपयोग करे, चाहे वो शैक्षिक निर्देशन या परामर्श में उपयोग करे, या परीक्षा के कारण में करे, यानी हम तो ये कहेंगे उपयोग सभी में कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित होती है, चाहे वो व्यक्ति से भी संबंधित होगी, समाज से भी होगी, चाहे वो प्रशासन से ही हो, दर्शन से, यानी सभी से संबंधित होगी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें है नहीं तो ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर आप खुद से बना लें, 5 नंबर ऑप्शन, उसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट 142 नंबर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि कौन सी होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए, यानी जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें पूछा गया निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। ये कह रहा है कि पोस्टर होते हैं ना वो प्रक्षेपी होते हैं, ये गलत है, ये पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप भी जानते होंगे पोस्टर वगैरह होते हैं, ये आपके दृश्य सामग्री में आएंगे, जैसे देख सकते हैं, ठीक है, यानी ये दृश्य में हो जाएंगे, ठीक है, तो और जबकि ये कह रहा है प्रक्षेपी, प्रक्षेपी में तो जैसे फिल्म स्ट्रीम आ गई, ठीक है, और आपका OHP होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्शन, इसमें भी स्लाइड लगा के या अन्य चीज़ों को भी आप दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं, ये आ जाएगा। फिल्म स्ट्रीम हो गई, अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए, बाकी पोस्टर तो दृश्य में आएगा ना कि प्रक्षेपी में, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही पूछा ना शिक्षण सहायक सामग्री में संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये चलचित्र, चलचित्र का मतलब होता है एक तरह से वीडियो, तो वीडियो तो मैं आपको देख भी सकते हैं, यानी दृश्य भी हो जाएगा और श्रव्य भी हो जाएगा, तो आप इसमें एक दिमाग लगाइएगा, जरूरी नहीं है कि वीडियो में आपकी श्रव्य भी हो, केवल दृश्य भी तो हो सकता है, तो इस वजह से ये दृश्य सामग्री सही है। ग्राफ और चार्ट हैं ये दृश्य में आएंगे, ये भी बात सही है। प्रिंटेड जो भी मानचित्र होते हैं आपने देखे होंगे, ये अप्रचेपी सामग्री के उदाहरण होते हैं, चाहे आपने चाहे स्कूल और कोचिंगों के जो आपने बोर्ड देखे होंगे, या जो भी वो बोर्ड साइज बनवाते हैं प्रिंटेड होता है, नीचे तौर से वो टीचिंग एड के अकॉर्डिंग आता है, तो वो एक अप्रचेपी सामग्री हो जाएगी, जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते दीवार वगैरह या अन्य स्थानों पर, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये भी बात सही है, ये भी सही थी, ये सही, गलत कौन सा था, तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 144, इसमें पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि बच्चों में हम सामाजिक गुणों का विकास करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 145 नंबर क्वेश्चन ने यह पूछा है, किसी भी विषय को अन्य विषयों के सहसंबंध यानी सह संबंध करके पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ओवरऑल देखा जाए जब हम सामाजिक की टीचिंग मेथड देखते हैं, तो ध्यान से लगा देखना, उसमें सहसंबंध के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उस विषयों को लेकर, तो इसका हम ये कहेंगे वो ज्ञान अखंड हो, मस्तिष्क अविभाज्य अधिगम में स्थायित्व आता है, और ये सभी विकल्प हो जाएंगे ऊपर के जो दे रखे हैं ना, ये सभी चीज़ें कह सकते हैं संबंधित हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें पूछा है उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उचित व्यवहार के विकास के लिए तो हम कहेंगे देखो उपेक्षा करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और शक्ति बरतना ये भी गलत हो जाएगा, दंड भी गलत हो जाएगा, लेकिन प्रशंसा है ये अच्छी बात है, पॉजिटिव भी है, तो हम यही करेंगे, ठीक है, तो उचित व्यवहार के लिए, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है सामाजिकगत अभिव्यक्ति विधि जिसे बोलते हैं सोशियल रेसिटेशन मेथड के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही कथन है, वही हमें चूज करना है, तो इसमें हो जाएगा कि जो समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि सामाजिक अनुवाचन जिसे बोलते हैं सोशियल रेसिटेशन विधि के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, हम ये कहेंगे इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है,
ये कह रहा है कि नहीं होता है, हमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर है ना चार, ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो करिकुलम होता है सामाजिक का उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित करें, यानी जो आपकी ऐसे कह सकते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है। इससे पहले हर्बर्ट और मॉरिसन का समान कौन सा चरण होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने क्वेश्चन किया था। अब केवल हर्बर्ट उपागम की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें पांच स्टेप बताएंगे, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताइएगा। आप इन सभी में देखेंगे, उसमें देखो हमने देखा था प्रिपरेशन भी होता है इसमें और प्रेजेंटेशन भी होता है और जनरलाइजेशन भी होता है, तो इसमें से कोई विकल्प नहीं है ऐसा बोलेंगे हम निश्चित तौर से, कोई चरण नहीं है, तो इसमें चार नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो सभी चरण है, तैयारी का भी है, सामान्यीकरण का, प्रस्तुतिकरण का, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, यानी कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 131 नंबर पूछा है इस प्रकार, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम होगा, यानी जो आपकी इसमें मेथड का नाम दे रखा है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, इसके आपको स्टेप बताने क्रम क्या होंगे। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसे कंडक्टिंग करेंगे, फिर उसे रिपोर्टिंग करेंगे, फिर इवोल्यूशन करेंगे, यानी पहले योजना बनाएंगे, क्लियर नंबर करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर लास्ट में जाकर मूल्यांकन करेंगे, तो चार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है, यानी लिमिटेशन बतानी है, उसकी कमी बतानी है आपको, किसकी, जो आपकी क्षेत्र पर्यटन विधि होती है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दो सही हो जाएगा। इसकी सीमा ये है कि सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए ही उपयोगी होती है, तो ये बात सही है, इसकी एक लिमिटेशन है यानी कमी है इसकी, बाकी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये बात सही है, सौंदर्य अनुभूति होती है यानी जो आपको एस्थेटिक सेंस निकल के आता है, और रुचि और रोचकता भी होती है इसके तरह, यानी आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और आपकी जिज्ञासा भी पूरी होती है इसके अंतर्गत। तो हम ये कहेंगे तीन पॉइंट तो एक तीन और चार ये तो आपके क्षेत्र पर्यटन भी है ना, उससे संबंधित पॉजिटिव पॉइंट थे, जो गलत है वो हो जाएगा, या उसकी कमी है, गलत तो नहीं है लेकिन इसकी कमी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है, इसमें पूछा गया है कि प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है, तो आप इसे व्यवस्थित क्रम में बनाइएगा, यही कह रहा है लास्ट में, प्रायोजना विधि के सोपानों को सही तार्किक क्रम बताइएगा। तो इसके जो स्टेप होते हैं उसमें देखो, पहला स्टेप होता है प्रायोजना का निर्णय करने का, मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है, यानी आप जजिंग करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, यानी एक तरह से आप निर्णय करेंगे हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद है आप उसकी परिस्थिति देना, यानी प्रोवाइडिंग सिचुएशन, कौन कौन सी स्थितियाँ होंगी वो देंगे, यानी इसमें नहीं 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 हमने गलत बता दिया है, गलत गलत गलत, पहले तो परिस्थिति दी जाएगी, ठीक है, यानी परिस्थिति देना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी किस में है पहले, तो एकमात्र है चार नंबर ऑप्शन में, यही राइट आंसर होगा, यानी परिस्थिति देंगे, फिर उसके बाद है उस प्रायोजना का चयन करेंगे, फिर उसके बाद है प्रायोजना की जो योजना बनाएंगे, तब जाके हम क्रियान्वयन करेंगे, फिर लास्ट में जाके प्रायोजना का निर्णय करेंगे, और यही होता है कि लेखा जोखा करना होता है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं अच्छा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहेगा, उन्होंने इस प्रकार का एक शंकु बनाया था, तो उसमें हम ये कहेंगे उन्होंने इनमें सहायक सामग्रियों को इनमें स्टेपों में डिवाइड कर रखा था, यानी ये पिरामिड के रूप में, तो आप बताइए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा, तो सबसे अधिक प्रभावी होगा जो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित होंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे अनुभवजन ये है ना अनुभव शंकु, इसे अनुभवजन कौनस बोलते हैं, और ये टीचिंग एड के अंतर्गत आता है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसकी प्रकृति के ऐतिहासिक तत्वों को दर्शाने का वाला चार्ट क्या कहलाएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसे हमें वंशक्रम चार्ट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आजकल। नेक्स्ट है कि नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक की गुण, यानी कुछ गुण दे रखे हैं, और आपको इनमें से कौन से विकल्प है उपरोक्त उल्लिखित गुणों का सर्वाधिक उपयोग प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से अच्छे पॉइंट छांटने आपको जो इसमें दे रखे हैं तीन,
तो आप इन सभी को पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन से होंगे। जैसे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि या विधा के विशेषज्ञ हों तो निश्चित तौर से होना चाहिए। अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण हो, ये भी बात सही है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो, यानी तीनों पॉइंट हैं ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये शिक्षक में विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर से ये गुण होनी चाहिए। हालांकि अन्य विषय भी पढ़ाता हुआ भी होनी चाहिए ये तो। नेक्स्ट है कि इसमें से एक तरह से सामग्री का प्रकार है, टेलीविजन आती है ये ऑडियो विजुअल में आएगी यानी श्रव्य दृश्य में, फिल्म स्ट्रीम में आएगी ये प्रक्षेपी में आएगी, ठीक है। बाकी है टेप रिकॉर्डिंग, ये आएगी श्रव्य के अंतर्गत केवल। और बाकी चलचित्र हैं, अब देखो यहाँ पर फंसा दिया ना, चलचित्र का मतलब ये टेलीविजन के अंतर्गत आते हैं, पर ध्यान रखना है टेलीविजन में फिक्स है ये श्रव्य होगा और दृश्य, यानी हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। फिल्म स्ट्रीम प्रक्षेपी होगी, तो प्रक्षेपी होगी तो ये केवल दृश्य में भी आएगी, ठीक है। बाकी टेप रिकॉर्डिंग है ये सर्वे में आएगा। और चलचित्र है, अब देखो अब मैंने बताया ना इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले पेपर में, तो उसमें चलचित्र को हमने देखा था किसके अंतर्गत लिया था, हमने लिया था चलचित्र को वो दृश्य के अंतर्गत ही लिया था। अब देखो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वो होगा फिल्म स्ट्रीम, क्योंकि ये प्रक्षेपी सामग्री होती है, निश्चित तौर से ये दृश्य में आती है। हालांकि ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि मोशन पिक्चर है। अब देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें देखो मोशन पिक्चर होते हैं वो कई कई बार ऐसे भी मिलते हैं आपको जिनमें साउंड नहीं मिलेगी, तो वो सिर्फ भी नहीं माने जाएंगे, केवल दृश्य में आ जाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो में ऑडियो भी मिलता है तो निश्चित तौर से वो फिर इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे टेलीविज़न बारे में, क्योंकि ये भी सिर्फ दृश्य सामग्री अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं फिल्म स्ट्रीम होते हैं, इनमें कहीं आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल आप प्रक्षेपित कर सकते हैं दीवार वगैरह अन्य चीज़ों पर, लेकिन होंगे ये दृश्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, बाकी आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, ये कह रहा है कि जो आपका NCERT 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे, इसमें से कौन हो सकता है, प्रोफेसर यशपाल थे या प्रोफेसर गोपाल गुरु थे। तो पर्टिकुलर इसमें सामाजिक विज्ञान से पूछा है तो हम जाएंगे प्रोफेसर गोपाल गुरु पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना हेतु हार्वर्डी उपागम का एक सोपान नहीं है, यानी हार्वर्ड की पंचपथी प्रणाली है। तो हम देखो प्रेजेंटेशन हमने देख लिया था, जनरलाइजेशन भी होता है और कंपेरिजन या एसोसिएशन भी होता है, लेकिन इसमें जो नहीं होगा वो होगा खोज करना, ये इसमें नहीं आता, एक्सप्लोरेशन इसमें नहीं आएगा। तो ये तीन होते हैं लेकिन ये नहीं होता, लेकिन हालांकि इसमें 5 स्टेप होते हैं, उनमें से 3 तो ये है और जो नहीं है वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इकाई योजना जिसे हम बोलते हैं यूनिट प्लान की विशेषता नहीं है वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो जैसे कि इकाई योजना में उद्देश्यों की समग्रता की दृष्टि तैयार किया जाता है, ये बात सही है। इकाई योजना विभिन्न पाठ विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि व्यवस्थित किया जाता है, ये भी बात सही है। इकाई योजना में अंश से पूर्ण, अंश से संपूर्ण बोलेंगे, सिद्धांत का पालन किया जाता है, जबकि ये गलत है। हम ये कहेंगे संपूर्ण से अंश की ओर जाएंगे, न कि अंश से संपूर्ण की ओर, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी है इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है। यानी 1, 2 और 4 ये तो सही थे इकाई योजना से संबंधित, जो गलत था वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इकाई योजना किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी गेस्टाल्ट वादी है ना, उससे पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थियों को अपने आदर्श यानी आदर्श मीन्स उद्देश्य के अनुसार है अपने स्टूडियो यानी स्कूल में डाल सकें, ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये संबंधित हो जाएगी कनिंगम की, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर के चयन में अनुमान संबंध, तो ये गलत है, इसके बारे में ये गलत हो जाएगा। बाकी अंकन में वस्तुनिष्ठता होती है, प्रशासन सरल होता है, भाषा न्यूनता का उपयोग यानी भाषा न्यूनतम उपयोग की जाती है, ये भी बात सही है, इसमें से गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, जो गलत है वो चूज करनी है, तो इसमें से हो जाएगी मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव है जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्योंकि वस्तु निष्ठ देखो मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चलता है, सुबेलेटिव असेसमेंट भी चलता है, तो आप केवल वस्तु निष्ठ आप डिपेंड नहीं रह सकते, उसमें व्यापक चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाकी ये सभी सही थे। विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन शैली के लिए जो भी कला है उनसे जानने के लिए उपयोगी होती है, ये बात सही है। विद्यार्थियों की जो भी अभिव्यक्ति कौशल होता है यानी जो आपके एक्सप्रेशन स्किल होता है वो भी जानने में उपयोगी होता है, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों के जो रचनात्मक विचारों को जानने की उपयोगी होता है, तो ये भी बात सही है। जो गलत थी वो 4 नंबर हो जाएगी। एक आपको निष्पत्ति परीक्षण हेतु एक नील पत्र बनाना है या निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं, आप उपरोक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त है विकल्प वो चुनिएगा। इसमें से कौन कौन से आवश्यक हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे उद्देश्यों का अंक बार हम देते हैं नील पत्र में, निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे। विषय वस्तु का अंक बार भी देते हैं और बाकी अलावा इसके अलावा प्रश्नों के प्रकारों का अंक बार बिल्कुल, जो वस्तुनिष्ठ प्रकारों के क्वेश्चन होंगे उनके अंक अलग होंगे, और शॉर्ट आंसर होंगे जो अति लगत तो उनके अलग होंगे, निबंधात्मक के अलग होंगे, इस प्रकार, ठीक है। कठिनाई स्तर का अंक बार होता है, ये भी आवश्यक है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, तो सभी चीज़ें हो जाएंगी तो किसमें, ये 4 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं नील पत्र से संबंधित। नेक्स्ट एक विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार की डेफिनेशन पूछी ही जाती है, तो ये मूल्यांकन की एक परिभाषा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग घटक का व्यवहारिक पद कौन सा होगा। तो आप है देखो जब ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पहली स्टेप होती है ज्ञानात्मक, तो उसका खोज है आपके ब्लूम ने, ये थी। उसमें 6 स्टेज होते हैं, तो उस 6 स्टेज के प्रतीक जैसे कि ये तो आपका अवबोध है, इससे पहले आता है आपका ज्ञान है, फिर उसके बाद अवबोध आता है, फिर आपका अनुप्रयोग भी आता है, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इनकी सभी के विशेषताएँ दे रखी हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ज्ञान की होती है कि परिभाषित कर सकेगा, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा, तो इस प्रकार की विशेषताएँ ज्ञान से संबंधित। और जो आपकी अवबोध है 2 नंबर पे, इसका मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर करना, पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, तो प्रत्यास्मरण तो ज्ञान से हो जाएगा संबंधित, ठीक है। और पहचान करना भी एक तरह से, पहचान करना भी इसी में चला जाएगा ज्ञान में, लेकिन अंतर करना है निश्चित तौर से हो जाएगा, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंतर करना, वर्गीकरण करना, ठीक है, ये आपके अवबोध में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का चर्चा में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं, व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों के सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है, यह किन दो विषयों के संबंध को दर्शाता है। तो ये संबंध देगा सामाजिक विज्ञान और ललित कला, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य में एक दूसरे से संबंधित कहलाती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एक पारस्परिक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, यह मानवीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है, ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये पर्टिकुलर हम ये कहेंगे ये आपके माइकलिस यानी जून वीक माइकलिस की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं,